फास्ट जॉब अलर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि पाए सबसे तेज जॉब अलर्ट। हेलो फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं फास्ट जॉब अलर्ट। इंडियन आर्मी ने एआरओ गया, यानी कि आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस गया, रिक्रूटमेंट रैली 2019 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आइए अब इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6/12/2019 से स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 19/1/2020 है। एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा 21 जनवरी 2020 से लेकर 31 जनवरी 2020 तक। आइए अब रैली डेट के बारे में जानते हैं। 4 फरवरी 2020 से लेकर 18 फरवरी 2020 तक चलेगा। इसके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगता है। आइए अब एज लिमिटेशन के बारे में जानते हैं। सोल्जर जीडी, इसके लिए मिनिमम एज 17.5 साल है, मैक्सिमम एज 21 साल है, यानी कि कैंडिडेट का जन्म 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2002 के बीच जन्म होना चाहिए। बाकी सभी ट्रेड के लिए मिनिमम एज 17.5 साल है, मैक्सिमम एज 23 साल है, यानी कि कैंडिडेट का जन्म 1 अक्टूबर 1996 से लेकर 1 अप्रैल 2002 के बीच जन्म होना चाहिए। इस रैली में भाग लेने वाले जिला जैसे कि अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास और शेखपुरा। आइए अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। ट्रेड वाइज सबसे पहले बात करते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म, इसके लिए 10th या मैट्रिक पास होने चाहिए, कुल 45% प्राप्तांक के साथ और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना चाहिए। अगला ट्रेड है सोल्जर टेक्निकल, इसके लिए 10+2 या इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, मिनिमम 50% कुल प्राप्तांक होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए। अगला ट्रेड है सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट या नर्सिंग असिस्टेंट वेटरिनरी, इसके लिए 10+2 या इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, मिनिमम 50% कुल प्राप्तांक होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होना चाहिए, या 10+2 या इंटरमीडिएट एग्जाम पास होने चाहिए, साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, मिनिमम 50% कुल प्राप्तांक होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होना अनिवार्य है। अगला ट्रेड है सोल्जर क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल ऑल आर्म्स, इसके लिए 10+2 या इंटरमीडिएट एग्जाम पास होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, कुल 60% प्राप्तांक होना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में। इसके अलावा इंग्लिश, मैथ या अकाउंट्स, बुक कीपिंग इन क्लास 10 और क्लास 12 में 50% मार्क्स होने चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में। अगला ट्रेड है सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 10th पास, इसके लिए सिंपली 10th पास होना चाहिए, कुल प्राप्तांक के लिए कोई बाध्यता नहीं है, परंतु प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना अनिवार्य है। अगला ट्रेड है सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 8वीं पास, इसके लिए 8वीं पास होना चाहिए फॉर हाउस कीपर एंड मेस कीपर के लिए, SLC जो होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए, इसके लिए भी कुल प्राप्तांक के लिए कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना अनिवार्य है। आइए अब मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट के बारे में जानते हैं। सभी ट्रेड के लिए मिनिमम चेस्ट जो होना चाहिए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन है, और सभी ट्रेड के लिए वेट 50 kg होना चाहिए। सोल्जर क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। बाकी सभी ट्रेड के लिए
169 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, जैसे कि सोल्जर जीडी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट या सोल्जर ट्रेड्समैन। आइए अब फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में जानते हैं। 1.6 किलोमीटर का रन होगा जो कि दो ग्रुप में होगा। पहले ग्रुप के लिए 5 मिनट 30 सेकेंड दिए जाएंगे। अगर आप इसके भीतर कंप्लीट करते हैं तो आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे। दूसरे ग्रुप के लिए 5 मिनट 31 सेकेंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकेंड दिए जाएंगे। अगर आप इसके अंतर्गत कंप्लीट करते हैं तो आपको 48 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा बीम यानी कि पुलअप्स होगा। 10 पुलअप करते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा, 9 पुलअप करते हैं तो आपको 33 मार्क्स मिलेगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 पुलअप के लिए 27 मार्क्स है, 7 पुलअप के लिए 21 मार्क्स है और 6 पुलअप के लिए 16 मार्क्स है। इसके अलावा आपको 9 फीट का डीज क्वालिफाई करना होगा। इसके अलावा जिगजैग बैलेंस भी आपको क्वालिफाई करना होगा। आइए अब रैली से रिलेटेड कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। तत्काल आवासीय सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट और अनमैरिड सर्टिफिकेट मुखिया के द्वारा इशू किया हुआ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आदिवासी कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा साइन होना चाहिए। इस रैली में भाग लेने के लिए आपको ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना होगा। यदि आप इस रैली से रिलेटेड अत्यधिक जानकारी चाहते हैं या ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आज ही विजिट करें www.fastjobsearcher.com। यहां पे आपको इस रैली से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है, साथ साथ में आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक भी मिल जाता है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाले इस प्रकार के वीडियो के लिए मेरे चैनल फास्ट जॉब अलर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।